वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा, दूसरा दिन के उनके दौरे का कई बड़े ऐलान उनकी ओर से कर दिए गए थे। पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार को तो घेरा गया के साथ ही पिछली भी जो पार्टियां रखी थी उन्हें भी घेरा गया कि कोई भी दल पंजाब के स्कूलों की स्थिति को नहीं सुधार पाया, स्कूलों में शिक्षक नहीं है यहां तक की स्थिति है। एक बड़ा ऐलान उनकी ओर से यह किया गया कि ठेके पर जो काम कर रहे हैं शिक्षक उनको पक्का किया जाएगा अगर आप सरकार में आती है। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है तो ठेके पर काम करने वाली टीचर्स को पक्का कर दिया जाएगा। तो शिक्षा को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से निशाना साधा गया, क्या कुछ वो बोले हैं सुनवाते हैं आपको। मेरे पास कुछ टीचर्स मिलने के लिए आए, बोले जी 18-18 साल हो गए उनको काम करते हैं, अभी तक कच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, भगवंत मान जी भी मेरे साथ बैठे थे कल, मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है, आपको जान के ताज्जुब होगा, 18 साल काम करने के बाद एक टीचर को 10,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इतनी दुर्गति टीचर्स की, इतना अपमान टीचर्स का। दिल्ली के अंदर न्यूनतम मिनिमम वेज, अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर एक महीना काम करता है तो उसको मिनिमम वेज 15,000 रुपए मिलते हैं दिल्ली के अंदर। टीचर्स को यहां पे मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, मिनिमम वेज के बराबर भी नहीं मिलता उनको, उनको केवल 10,000 रुपए महीना टीचर्स को मिलता है। और वो बोले जी 10,000 तो मैक्सिमम है, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 3,000 रुपए काम कर रहे हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो 5,000 रुपए काम कर रहे हैं। 18-18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो सबसे पहली चीज, सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। चौथी चीज, पूरे देश की ये दुर्दशा है कि टीचर्स से सारा काम कराते हैं टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे पंजाब के कई टीचर्स ने बताया क्लर्की का काम कराते हैं, कई डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, टीचर्स को स्कूल से निकाल के डेटा एंट्री ऑपरेटर रखा हुआ है, उनको क्लर्क बना के रखा हुआ है, उनसे बीएलओ का काम कराते हैं, उनसे जनगणना का काम कराते हैं, सारे काम कराते हैं, टीचिंग का काम नहीं कराते। बस दिल्ली में हमने आदेश पारित करके सारे काम विड्रॉ कर लिए, हमने कहा कि टीचर केवल टीचिंग का काम करेगा और टीचिंग के अलावा कोई, अब कोई टीचर बीएलओ नहीं है, कोई टीचर जनगणना का काम नहीं करता, कोई टीचर दूसरा काम नहीं करता। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद थे उस वक्त हमने कोरोना का रिलीफ वर्क टीचर से कराया, इसके अलावा टीचर से कोई दूसरा काम नहीं कराया जाता। जैसे दिल्ली में किया ऐसे पंजाब में भी टीचर्स के से जो नॉन टीचिंग का सारा काम है वो वापस लिया जाएगा, उनसे कोई दूसरा काम नहीं कराया जाएगा। मैं ये देख रहा हूं सिद्धू साहब ने जैसे कल बोला, स्टेज से बोला, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उन्होंने कहा, चन्नी साहब ने बोला कि मैंने रेत माफिया खत्म कर दिया, चन्नी साहब ने कहा कि मैंने रेत 5 रुपए फुट कर दिया, तुरंत सिद्धू साहब ने कहा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं, रेत अभी 5 रुपए नहीं हुआ, रेत 20 रुपए मिल रहा है, रेत माफिया अभी खत्म नहीं हुआ। मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं, उन्होंने खुद ही कहा कि चन्नी साहब जितने वादे कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जितने ऐलान कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई, पर बात तो ठीक बोल रहे हैं क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे, अभी तक तो पूरे आपकी बिजली मुफ्त होगी, आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई यहां पे, इतने पत्रकार किसी की बिजली मुफ्त हुई, किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी, चन्नी गल घर 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 गल चल्ली चन्नी मसले हल करता है।